क्या आप इमेजिन कर सकते हो दुनिया में एक ऐसा भी गांव है जहां पर सभी लोगों की कद छोटी छोटी है, यानी उस गांव में केवल बौने लोग रहते हैं, जिसे बौनों का गांव कहा जाता है। इस गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी कद 3 फीट से ज्यादा हो। हर एक व्यक्ति की हाइट यहाँ पर 2.5 से 3 फीट तक ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों? माना कि एक गांव में 2-4 लोगों की कद छोटा हो चलता है, पर एक गांव में सारे लोगों की हाइट छोटी हो, ये कैसा अजूबा है। कोई तो ऐसा आदमी होगा इनके पेड़ में जिसकी हाइट लंबी होगी, पर सच बात तो यह दोस्तों कि इनका ना ही कोई पेड़ से लेन देन है, ना ही इस गाँव से इनका कोई संबंध है। संबंध तो बस इनका इस गाँव से सर्कस दिखाने का है, क्योंकि इस गाँव में जितने भी बौने लोग देखे जाते हैं वे सभी के सभी सर्कस में काम करने वाले लोग हैं। और हम जिनको बौनों का गांव कर रहे हैं वो दरअसल चीन में बनाया गया एक सर्कस पार्क है, जहां पर नौटंकीबाजी कराई जाती है इनके द्वारा, जिसको लिटिल पीपल किंगडम ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। और अब इनके बारे में इतना जान ले लिया है तो ये भी जान लेते हैं इनके बारे में कि इतने सारे बौने यहां पर आए कहां से, क्योंकि इतने सारे बौने लोग एक ही गांव में पैदा हुए लोग तो है नहीं। तो इनकी कहानी शुरू होती है साल 2009 में, जब इस पार्क को बनाया गया था केवल बौने लोगों के लिए ही। और इसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान का हाथ था, चाइना के बहुत बड़े रियल एस्टेट के इन्वेस्टर का, जो कि चाइना के काफी फेमस अट्रैक्शन पार्क है, जिसके अंदर इनके लिए बनाया गया घर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। हालांकि इनका दिनचर्या इन्हीं छोटे छोटे घरों में होता है। मशरूम के आकार के हैं।